के पीछे ये जो सनसेट हो रहा है ये तो क्या ही बोलूं। सब कुछ सही चल रहा था, राइड करने में मजा आ रहा था, पता नहीं अपने एक्सपल्स को अचानक से क्या हुआ। Hey guys, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार व्लॉग में। तो जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा है उनको पता है अभी मैं कहाँ हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ ऊपर कहीं आई बटन आ जाएगा वहाँ पर जरूर देखना ताकि आप स्टोरी से कनेक्ट हो पाओ। तो गाइज आज भी हम लोग यही रुकने वाले और जिस लोकेशन पे आज हम लोग रुके वहाँ से ये जो नजर आ रहा है ये है होम स्टे, यहाँ पर आज हम लोग रुकने वाले और वहाँ से कुछ चंद कदमों पर आपको यू इस तरह आना है और उसके बाद रुको वेट करो गाइज मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये कुछ इस तरह से ऊपर, थैंक यू सो मच। और जैसे आप थोड़ा सा होम स्टे से आगे चल के आते हो तो आपको मिलेगा एक बीच खूबसूरत सा, ये देखो। तो ऐसा खूबसूरत सा बीच आता है, यहाँ पर पब्लिक क्रिकेट खेल रही है और हम लोग का भी प्लान है थोड़ा सा यहाँ पर आके चिल करने का। अभी फिलहाल तो हम लोग होम स्टे के अंदर जाएंगे, सब लोग फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि आज दिन भर हम लोग घूमे और उस वजह से थोड़ा फटिक हो गए और सबको पसीना है, जाएंगे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे उसके बाद वॉक करने यहाँ आएंगे। ऐसा नहीं कि इससे पहले मैं कभी बीच पर आया नहीं या मैंने इससे पहले कभी बीच देखा नहीं, पर आज जो बीच का मैं व्यू देख रहा हूँ ऐसा व्यू मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि आसमान और समंदर एक हो रहे हैं। ये जो क्लाउड्स का शेप है और उसके अंदर ये जो सनसेट हो रहा है ये तो क्या ही बोलूं मैं, क्या खूबसूरत है। वहाँ पर बहुत जोरों से बारिश हो रही है और ये क्लाउड्स हमारी ओर आ रहे हैं, इसका मतलब आज जोरदार बारिश होने वाली है, बहुत जोरदार बारिश होने वाली है। क्या व्यू है यार गाइस, एक प्रॉपर सनसेट देखा और उसके बाद अभी जा रहे अपने रूम में। मैंने रूम भी नहीं देखा, मैं सीधा बीच पे आके बैठ गया ताकि मैं सनसेट एंजॉय कर पाऊँ और आपको भी दिखा पाऊँ। अभी रूम में जाते कपड़े चेंज करते फ्रेश होते और उसके बाद का प्लान समझते। सो गाइस रूम से निकले, होटल आने के लिए खाना खाने के लिए आ रहे थे हम लोग और 2 ही मिनट का रास्ता था, ज़्यादा नहीं। ये देखो 2 मिनट का रास्ता करते करते पूरा भीग गए और अभी यहाँ पर तो नॉर्मल बारिश है, हुआ रहेगा। चलो आज दिन भर में प्रॉपर कुछ खाना खाया नहीं, पर डिनर होगा तो ये लो स्टार्टर आ चुका है और मेन कोर्स भी आएगा। आज दिन भर की जितनी भी कसर थी पूरी निकाल दी लड़कों ने, फटे खाना खाया, अब आंखों पे नींद आ चुकी है। और एक बात आपको दिखाई, यहाँ पर हो रही है जोरों से बारिश और हर बार की तरह वेदर फोरकास्ट चेक किया, आज 12 बजे से सुबह 4 या 6 बजे तक जोरों से बारिश होने वाली है। अगर ऐसा ही वेदर रहा तो फिर हम लोगों को रेनकोट पहन के सुबह राइड शुरू करनी होगी कल्याण के लिए। टेंशन नहीं, कल टाइम पे वीडियो आ जाएगी सुबह 10 बजे। सबसे बड़ा टेंशन वही होता है कि वीडियो अपलोड होगी या नहीं जब आप ट्रैवल करते हो, पर यहाँ पर इस होटल में फ्री वाईफाई मिला और खाना भी सही था। गाइस अभी बजे सुबह के 5 और हम लोग निकल रहे कल्याण के लिए। जैसे मैंने कल कहा था कि अगर हम लोग स्टे करते तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग यानी कि 4-5 बजे निकल जाएंगे, तो 4 बजे हम लोग सब लोग उठे और रेडी होते होते अभी हम लोग को 5 बजे। तो गाइस राइड शुरू करके 1/2 आवर हो चुका है और सही डिसीजन लिया, चलते हम लोग ने रेनकोट पहन लिया क्योंकि ज़ोरों से बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। और हमारी स्पीड लिमिट जो है वो है 30-40, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अभी सबसे पहला काम करना था फ्यूल ब्रेक, तो थैंक गॉड कि ये टाइम पे हमें पेट्रोल पंप चालू मिला। और गाइस अभी हम लोग प्रॉपर है दापोली में, मैं आपको बताना भूल गया, तो अभी यहाँ से हाईवे कनेक्ट होगा। तो जो हमने सुबह उठकर नींद तोड़कर राइड करने का डिसीजन लिया एकदम परफेक्ट डिसीजन था, वर्थ इट था क्योंकि वेदर इतना चुम्मा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ड्रिजलिंग हो रही है धीमी धीमी सी, ये देखो यहाँ पर आपको नजर आएगी, वाह क्या फ्रेम नजर आ रही है गाइस, क्या फ्रेम। गाड़ी साइड में लो, ऐसे मत खड़े रहो, बाइक गाड़ी आती है और रास्ता जो है पूरा खुला मिल रहा है हमें, तो फोकस करते हैं राइडिंग पे और आपको कहीं पे चाय पीते मिलता हूँ अभी क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो एक चाय ब्रेक लेता हूँ तभी आपसे जरूर मिलूंगा।
कोट्स निकाल रहे हैं क्योंकि अभी बारिश नहीं मिलेगी क्योंकि वेदर वैसा हुआ है। लेट्स सी। ये लो सुबह की पहली चाय आ चुकी है। अभी आपको बताता हूँ थोड़ा राइड के बारे में। सुबह से जो राइड हुई उसके लिए स्पेशली थैंक्स सागर और रजत को, क्योंकि इन्होंने सुबह हमें 4 बजे उठाया, वरना 6 या 8 बजे के अलावा कोई उठता नहीं था। बीच में हमें एक रास्ता मिला, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम लोग इंडिया में नहीं है। टू बी रास्ता नया बना है, पर टू बी ऑनेस्ट यार क्या रास्ता था। और उस टाइम पे मोटो व्लॉगिंग हमने बंद रखी थी। चेयर्स गाइस, चेयर्स। ये रास्ता 20 किलोमीटर नॉन स्टॉप है महाड़ के लिए, और यश यहाँ आ चुका है पहले, तो उसका कहना है एकदम मस्त रास्ता है, मक्खन जैसे पहले मिला था वैसा ही है। वो रास्ता था उसे मैं, मुझे नहीं लगता अभी कोई रास्ता बीट कर पाएगा फिलहाल तो। रजत और सागर हमारे आगे निकल गए, पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर क्रूज करने में इस रोड पे फिलहाल तो। चुम्मा चुम्मा रोड से चुम्मा, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इन रोड्स की। अभी यहाँ से महाड़ सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर बचा है। और एक बात, ये रोड्स नए बने तो उस वजह से सारे साइन बोर्ड्स प्रॉपरली, आपको हर एक साइन बोर्ड रोड के साइड में नज़र आएगा यहाँ पर, ये हर एक साइन बोर्ड है। सब कुछ सही चल रहा था, राइड करने में मजा आ रहा था, पर पता नहीं अपने एक्सपल्स को अचानक से क्या हुआ, ये रेस ही नहीं ले रही। क्या हुआ? तो गाइस इस वीडियो को यही तक रखते हैं, और अगला वीडियो आपको देखने मिलेगा जिसमें गाड़ी ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने हीरो को किस तरह से अप्रोच किया और रिटर्न में हमें कैसे आंसर्स मिले और कैसी सर्विस हमें हीरो की तरफ से मिली। ये स्पेशली वीडियो हीरो के लिए, छोटा सा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कल का छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि बाइक ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग पूरा स्ट्रेस में थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे कैसे करे। तो वीडियो ज्यादा कुछ लंबी बनी नहीं, पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं। बस आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो बहुत 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 शुक्रिया। नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले। सो टिल देन कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड करो कुछ ऐसा जो आपको अंदर से खुशी दे। बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।